भोजपुरी सुपरस्टार पवन ठान लिया है कि वो इस सावन में हंगामा ही करेंगे, बवाल ही करेंगे। और अब लगातार उन्होंने जो धमाका किया है उसकी लिस्ट हम आपको बता देते हैं। पहले तो पवन सिंह ने हनुमान चालीसा से लोगों के मन को पावन कर दिया जी, सोलफुल वॉइस से तो पवन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने ये कहा कि इतनी बेहतरीन हनुमान चालीसा उन्होंने कभी नहीं सुनी थी और इस हनुमान चालीसा को व्यूज भी अच्छे मिले। फिर आगे पवन सिंह ने एक और धमाका किया, उन्होंने अपनी फिल्म घातक का ट्रेलर रिलीज करवाया और इस घातक के ट्रेलर रिलीज को दो चैनलों ने रिलीज किया और उसके भी व्यूज बहुत धमाकेदार थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि घातक फिल्म के ट्रेलर से ज़्यादा घातक फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। जी हाँ, इसके गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, भले ही छोटी छोटी क्लिपिंग्स में है तो क्या, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर पवन का मन इतने से भी नहीं माना, उन्हें लगा कि फैंस को और कुछ डोज देना चाहिए, तो उन्होंने सावन के पहले सोमवार के दिन अपना ऑडियो सॉन्ग बोल बम का अपना ऑडियो सॉन्ग लेकर आए और उस ऑडियो सॉन्ग का नाम है महादेव का दीवाना हूँ। जी हाँ, इसके लिरिक्स बहुत ही प्यारे हैं और अगर आप इसके लाइक की बात करेंगे तो पवन सिंह के अब तक के जितने भी गाने रिलीज हुए हैं उनमें लाइक्स के मामले में ये गाना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसने तो खेसारी लाल यादव के गाने कि महादेव खेले पबजी को भी पछाड़ दिया है लाइक्स के मामले में। वहीं दूसरी तरफ पवन का एक और गाना रिलीज किया गया था एक दिन पहले ही, यानी कि जिस दिन घातक का ट्रेलर रिलीज हुआ उसके एक दिन बाद, साड़ी पर का फोटो। जी हाँ, साड़ी पर के फोटो को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गाना काफ़ी अच्छा है, हटके है, यानी कि बैक टू बैक पवन सिंह ने 5 धमाके ऐसे किए हुए हैं जो कि पवन सिंह के फैंस जो हैं वो बड़े ही खुश हो जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे 5वां धमाका कौन सा, तो हम आपको बता दें भाई, मीठा मीठा बातें कमरिया ने भी तो धमाका किया हुआ है। जी हाँ, मीठा मीठा बातें कमरिया का भी व्यूज़ बहुत ही हाई जा रहा है और इसे देखकर ये लग रहा है कि पवन सिंह के सभी गानों को पछाड़ते हुए ये गाना 100 मिलियन व्यूज़ बहुत जल्दी ही क्रॉस कर लेगा। तो पवन सिंह के इन 5 धमाकों से भोजपुरी इंडस्ट्री हिल सी गई है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री को आसार नज़र आ रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ गानों तक सीमित रह जाएगी, फिल्मों तक नहीं, तो पवन ने उन्हें ये जवाब दे दिया है, गाने तो आते रहेंगे लेकिन फिल्मों की बात अलग है, फिल्में भी इसी तरह बदस्तूर आती रहेंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।